आपको पहला फील कब आया था कि आप मोदी जी जैसे दिखते हो? मुझे वैसे 2011 से लोग बोल रहे थे, लेकिन 2011-12 में मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। मैंने सोचा यहाँ के स्टूडेंट लोग शायद मेरी मजाक कर रहे होंगे, और साहब तक भी मेरे समाचार है टाइम्स ऑफ इंडिया में, इंग्लिश पेपर जो है अपना, उसके अंदर साहब का और मेरा दोनों का फोटो साथ में रहकर आर्टिकल आ चुका है। सही है। आज आपको मैं ऐसा बोलूँ कि मैं आज मोदी जी से मिल के आया तो आप विश्वास नहीं करोगे, तो आपको मैं मिलवाने जा रहा हूँ मोदी जी से। तो हेलो सर, कैसे हो? एकदम फर्स्ट क्लास, बढ़िया। और भाई आप तो सामने से एकदम मोदी जी जैसे ही दिख रहे हो। भाई मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि मैं मोदी जी से बात कर रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारे मोदी जी। तो कैसे हो अंकल जी? एकदम बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। मोदी जी आपकी मेहरबानी। तो मैं देख रहा हूँ आप यहाँ पे कुछ बना रहे हो, तो आपका क्या चीज रहेगा यहाँ पे? पानी पूरी, दही पूरी, सेव पूरी, बास्केट चाट, ऐसी 5-6 आइटम बनाता हूँ। और आप जो अभी बोले ना, मुझे भरोसा नहीं हो रहा, विश्वास नहीं हो रहा। मेरे ज्यादातर कस्टमर वही बोलते हैं, आते एकदम चौकन्ने हो जाते हैं, एकदम शौक हो जाते हैं भाई। ये तो और लाजवाब, एकदम बात ही वैसी है कि भाई कोई भी देख के शौक जाएगा कि मोदी जी सामने खड़े हैं, तो विश्वास ही नहीं होगा वो चीज़ का। देखो ये रिक्शा में जाते जाते मोदी साहब को देख के रुक गए, हाथ उठा करके गए। सही है। वो पूरे दिन में मेरा फोटो सेशन चालू ही रहता है। सही है, सही है। बहुत सारे कस्टमर बोलते हैं काका फोटो हो जाए, ठीक है भाई आ जाओ। मैं ऐसा समझ लूँ कि आप मोदी जी को फुल ऑफ सपोर्ट करते हो? सवाल ही नहीं उठता ना। तो आप कितना सपोर्ट करते हो उनके जो कानून कायदे बनाते हैं, जो नीति नियम बनाते हैं, उनको आप कितना फॉलो करते हो? हर चीज में ध्यान देना पड़ता है, समझ लो। उसने ये कहा जो सबका साथ सबका विकास। सही है। तो मैं अभी वही सोचता हूँ कि भाई मेरे हाथ के नीचे अगर 5-10 आदमी 15 आदमी का घर चले तो कुछ करना चाहिए। दूसरा है उसका स्वच्छता अभियान, वो चीज में भी मैं पहले से ही फॉलो करता हूँ क्योंकि मेरा धंधा ही ऐसा है। क्या बात है। और देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे भी इन्होंने कितना ही स्वच्छ रखा है। और देखिए यहाँ पे आपको है ना थोड़ी भी धूल मिट्टी नहीं दिखेगी, तो इतना ही साफ सुथरा अंकल जी ने बना के रखा है। उसमें क्या होता है कि खाने पीने के आइटम में मेरे पिताजी से मैं जब यह धंधा सीखा तो मुझे उसने सबसे पहले बताया था कि पहले अपने धंधे में ये चीज़ मायना रखती है कि कोई भी ग्राहक आएगा, ग्राहक अपने पास कस्टमर आके देखेगा तो पहले वो सफाई देखेगा। उसकी आंखों में अगर सफाई जची फिर वो दिमाग से उसको एक्सेप्ट करके अपने को ऑर्डर देगा। ऑर्डर देने के बाद उसने टेस्ट जीभ को पसंद आया तो सुबह में फिर वो ज़्यादा सोचेगा कि भाई हेल्दी भी था, कोई गड़बड़ नहीं हुई है। तो पहले आँख, फिर टेस्ट और तीसरा ये दिमाग, तीनों चीज़ पसंद हो जाएगी तो ही तुम बारी बारी ग्राहक को तुम्हारे पास आने के लिए मजबूर कर सकते हो। तो आपको पहला फील कब आया था कि आप मोदी जी जैसे दिखते हो? मुझे वैसे 2011 से लोग बोल रहे थे, लेकिन 2011-12 में मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। मैंने सोचा यहाँ के स्टूडेंट लोग शायद मेरी मजाक कर रहे होंगे। सही है, ऐसा हमको भी लगता था। हाँ। बट आज जब देख लिया तब हमको भी लगा कि नहीं, आप सही में मोदी जी से एकदम टू कॉपी लगते हो। 100% मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, मुझे तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि लोग इतने सारे बोलते हैं तो आखिर में है कि क्या है। वो भी उसने मुझे बताया कि 1-3 इंच आपकी हाइट कम है। सही है। और आपने कभी कोशिश की है कि आप मोदी जी से मिलो ऐसी? दो तीन बार कोशिश कर चुका हूँ अपने, ये ज़्यादा बार कहीं नहीं घुमा मैं, क्योंकि धंधा छोड़ के मैं कहीं जाऊँ तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। सही है। मगर यहाँ पे आनंद के अंदर 2-3 बार वो आ चुके थे, और जब भी आए ना तभी मैंने मिलने की कोशिश की, मगर पब्लिक ने इतना हंगामा किया मुझे देख के। सही है। कि पुलिस वालों ने ऐसा सोचा कि ये अगर रहेंगे तो और ज़्यादा हंगामा हो जाएगा। पब्लिक को काबू में रखना मुश्किल होता है ना। सही है। और पुलिस वाले भी अपने हिसाब में सही है, साहब की सभा में पुलिस वाले स्ट्रॉन्ग तो हो नहीं सकते। सही है। और हाथ जोड़ने से पब्लिक समझेगी नहीं। सही है। इसलिए वो मुझे एक साइड में बिठा देते थे। सही है। मगर अब की बार मैं मान रहा हूँ कि इतनी रील वायरल हो चुकी है और साहब तक भी मेरे समाचार है टाइम्स ऑफ इंडिया में, इंग्लिश पेपर जो है अपना, उसके अंदर साहब का और मेरा दोनों का फोटो साथ में रहकर आर्टिकल आ चुका है। सही है। और पाकिस्तान के चैनल में भी ये न्यूज़ है, पाकिस्तान के चैनल में भी ये न्यूज़ है, तो साहब के पास तो ये माहिती होगी 100%। ये उसके पास ना हो ऐसा तो नहीं। आपको कोई राजनेताओं ने कभी बोला नहीं कि आप हमारी पार्टी में आके ज्वाइंट हो जाओ वगैरह वगैरह? जी मैं ज़्यादातर तो वैसे राजकारण में इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ, क्योंकि अपना ये जो है खाने पीने का, ये एक अपना सेवा ही है, इसकी ये सेवा होती रहे वो भी बहुत है। सही है। तो अभी आप हमको क्या ट्राई करवाने वाले हो आपके यहाँ पे? आपके मेरे पास बास्केट चाट है, दही पूरी है, सेव पूरी है, ये बेल, ये अपना चेवड़ा है जो मैं सब में डालता हूँ, ये मेरा खुद का बनाया हुआ। अच्छा, है। होममेड रहने वाला है? होममेड, मेरी हर चीज़ होममेड रहती है भाई। सही है। मैं ये ममरा जो है बेल में डालता हूँ तो भी मेरा तेल में फ्राई किया हुआ है। अच्छा, घर का ही? हाँ, सादा ही जोक मारा हुआ नहीं। सही है।
ये मेरी सेव पूरी की पूरी है, इसमें भी जीरा मरी मसाला डाल के मैं बनाता हूँ और ये भी एकदम सॉफ्ट रहती है। सही है। और ये मेरे बास्केट है, इसमें भी मैं पूरी तरह से ध्यान रखता हूँ सॉफ्टनेस का। सही है। और जो पानी पूरी का पानी मैं बनाता हूँ ना, उसमें भी मैं जो बर्फ़ यूज़ करता हूँ ठंडा करने के लिए, मेरे खुद के फ्रिज में घर पे आरओ वाटर से जमता है, वही बर्फ़ में डालता हूँ। अच्छा, मिनरल वाटर वाला? मिनरल वाटर वाला, मेरे घर पे जो आरओ लगा है उसका ही पानी मैं पानी पूरी के पानी में इस्तेमाल करता हूँ, बर्फ़ भी वही चलाता हूँ। ठीक है, तो मोदी जी आज हम आपकी जो बास्केट चाट है वो भी ट्राई करेंगे और पानी पूरी भी ट्राई करने वाले हैं। बना दूँ मैं आपको, टेस्ट करो और साथ साथ में मुझे बताओ भी कि आपको कैसा लगा, क्योंकि मैं जानता हूँ तब तक सूरत वाले बहुत शौकीन होते हैं और आप सूरत में रहते हो तो, कि मैं थोड़ा समय सूरत में रह चुका हूँ, सूरत की पब्लिक से मैं वाकिफ हूँ। क्योंकि वो बोला जाता है काशी नु मरण ने सूरत नु जमण। तो देखिए फ्रेंड्स, ये लग रही है अपनी पानी पूरी। तो ये क्या प्राइसिंग वगैरह क्या रहता है अंकल जी? पानी पूरी मेरा ये 7 पीस का प्लेट है, 30 रुपीस। अच्छा, क्या बात है, यानी रीजनेबल प्राइस रहेगा। और ये पूरी किस चीज़ की बनी होती है? इसमें मेरा गेहूं और सोजी चलाया है मैंने इसके अंदर, और उसमें मैं मैदा नहीं डालता। अच्छा, मैदा नहीं डालते हो? नहीं। सही है। और मेरे खुद पे घर पे ही बनती है इसको, मैं दूसरे लोग पूरी वाले जो रात को आटा लगाते हैं सुबह में बेचते हैं बनाते हैं। सही है। मगर मेरा तुरंत ही आटा लगता है, तुरंत ही मैं बेलता हूँ, तुरंत ही तैरता हूँ, इसके अंदर वो जो बोलते हैं आटा वैसा नहीं होता। सही है। और रोज का रोज मेरा माल इतना निकलता है कि मेरे पास स्टॉक भी नहीं रहता। सही है। फिर भी मैं इतना ध्यान रखता हूँ कि मेरी पूरी अगर कोई ले गया यहाँ से बाहर तो 15 दिन तक इसमें कोई खराबी नहीं आनी चाहिए। क्या बात है, यानी वो 15 दिन तक खा सकता है उसको आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आ गई इनकी पानी पूरी। और देखिए यहाँ पे इनके साथ में दो पानी रहने वाले, एक इनका रहेगा मीठा पानी और रहने वाला है तीखा पानी। तो करते हैं ट्राई। तो ये देखिए, ये ले लिया हमने पानी पूरी और इसमें अभी ऐड कर रहे हैं इनका तीखा पानी। भाई बहुत ही बढ़िया टेस्ट है इनका। अगर आपने अभी तक पानीपुरी बहुत जगह ट्राई कर ली है तो यहाँ पे आनंद में आके मोदी जी की पानीपुरी ट्राई करना मत भूलिएगा। ऐसे ही वीडियो में बने रहिए अपने साथ में, मिलते हैं नए वीडियो में।